नमस्कार, राजेश पांचाल बोल रहा हूँ। साथियों, अभी अभी मुझे एक शीट नजर आई है ग्रुप के अंदर, किसी ने बना रखी है, और इस शीट के अंदर उसने जो डिटेल्स मांग रखी है, पैन कार्ड की भी डिटेल मांग रखी है, आधार कार्ड की भी डिटेल मांग रखी है, ठीक है, ईमेल आईडी भी मांग रखी है, बाइक बोर्ड की आईडी भी मांग रखी है, आपका जो बैंक डिटेल्स है वो भी मांग रखी है, ठीक है, यूटीआर नंबर भी आपसे मांग रखा है, ठीक है सर, तो ये ब्रांच भी आपसे मांग रखी है, सब कुछ मतलब टोटल डिटेल्स मांग रखी है। मैं आपको बता दूं सर, ये शीट मैंने नहीं दी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राजेश पांचाल बोल रहा हूँ, ये शीट मैंने नहीं दी है जो मैं इस ऑडियो के साथ अटैच करके भेज रहा हूँ, मैंने एक्सेल की शीट दी है। इस शीट के ऊपर अगर कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स भर के देता है तो यदि उसको कोई किसी तरह का लॉस होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, आप समझ लीजिएगा। फिर अच्छे से बता रहा हूँ कि अगर इस शीट की वजह से कोई लॉस हो जाता है किसी को तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैंने ये शीट भरने के लिए नहीं बोला है, मैंने इसमें इस तरह की कोई पर्सनल डिटेल्स आपसे नहीं मांगी है, मैंने आपसे भरने के लिए आपको एक्सेल शीट दी थी जिसमें सिंपल ये पूछा गया था कि इन्वेस्टर का नाम क्या है, उसने कब बाइक लगाई है, कितनी बाइक लगाई है, कितनी किस्त आई है और कितना बच गया उसका, बस इतना ही पूछा है। मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, ये कुछ नहीं मांगा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये शीट बिल्कुल नहीं फिल कीजिएगा, ये मेरे द्वारा भेजी गई शीट नहीं है, ये मत फिल कीजिएगा, इसमें जो डिटेल्स मांगी गई है वो आप मत दीजिएगा, ठीक है सर, थैंक यू।